नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं कहानी ज्यूस और हेरा की शादी की। टाइटन क्रोनोस और देवी रिया की बेटी देवी हेरा को उनके पिता के पीठ से बचाकर देवता ज्यूस ने बाहर निकाला था। देवी रिया को डर था कि क्रोनोस फिर से उनकी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए उन्होंने देवी हेरा को अपने आप से बहुत दूर भेज दिया था। देवी हेरा देवी हेस्परिडीज के गार्डन में उन्हीं के देखरेख में बड़ी हुई। वो गार्डन दुनिया का सबसे सुंदर गार्डन था और वहां पेड़ों पर सुनहरे सेब उगते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हेरा बड़ी होती गई और दिन ब दिन और खूबसूरत होने लगी। जब सियूस ने एक दिन उन्हें आसमान के बादलों को रूप देते हुए देखा, तो वो उनके प्यार में पड़ गए और उन्होंने तय किया कि वो उनसे शादी करेंगे। और ऐसे ही हेरा शादी, मातृत्व और निष्ठा की देवी बनी। उस आलीशान और शानदार शादी के दावत में सारे देवी और देवताएं पधारे थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरे ब्रह्मांड के देवता की शादी के न्योता को ठुकरा दे। मगर कॉलोनी नाम की एक अप्सरा वहां नहीं आई थी। वो अपने आलस के लिए मशहूर थी। हामिस को दायित्व दिया गया था कि वो सब में शादी का न्योता बांट दे। कॉलोनी को वहां ना देखकर वो चिंता में आ गए। उन्हें लगा कहीं उन्हें इस बात के लिए दोषी ना ठहराया जाए और वो उस अप्सरा को ढूंढने निकल पड़े। जब वो कॉलोनी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो सो रही है। उसे जगाकर हामिस ने उससे पूछा, क्या बात है, आप दावत में नहीं आई? कॉलोनी ने उनसे कहा, हाँ मैं तैयार हूँ, बस आ ही रही हूँ। ये सुनकर हामिस वहां से वापस ओलंपस चले गए और कॉलोनी ने सोचा, मैं थोड़ी देर और आराम कर लेती हूँ। जब उसकी आंख खुली, वो धीरे धीरे ओलंपस की तरफ चल पड़ी। वहां जाते हुए उसने देखा बाकी सारे मेहमान वापस आ रहे हैं। तब उसने सोचा, दावत तो खत्म हो ही चुकी है, अब मैं वहां जाकर क्या करूं, वापस जाकर थोड़ा और आराम कर लेती हूँ। हामिस को जिस बात का डर था वही हुआ। ज्यूस और हेरा को लगा कि उसने कॉलोनी को न्योता दिया ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो उनके दावत को ठुकराए। सारा दोष उन पर आने के कारण हामिस को बहुत गुस्सा आया। वो उसी वक्त कॉलोनी के घर गए, जो एक लेक के पास था, और सोते हुए कॉलोनी को उठाकर उसे उस लेक में फेंक दिया। फिर उन्होंने उसके घर को उखाड़कर उसी लेक में फेंक दिया और उन्होंने डूबते हुए कॉलोनी को श्राप दिया। तुम्हें अपने घर में रहना बहुत पसंद है ना? अब से तुम जहां भी जाओगी, तुम्हें अपना घर अपने साथ ले जाना पड़ेगा। इस श्राप के कारण उस अप्सरा के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे और वो एक कछुए में बदल गई। मगर एक चीज जो नहीं बदली वो है उसकी आलस। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।